बने बेटी बड़ी होकर। इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो मेडिकल की तैयारी कर रही है जी। जी हाँ, वो बायोलॉजी लिए है खास कर इसलिए। उसका मर्जी, ऐसे तो आईपीएस बनना चाह रही थी। देखिए, हम चाहते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। अभी तो इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं जी। शुरू से बायोलॉजी लेकर चल रही है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम डॉक्टरी में जाएगा। ठीक है, डॉक्टरी में तुम बोलो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा का पहला दिन है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से गार्जियंस जो हैं अब अपने बच्चों के एग्ज़ाम देकर बाहर आने का वेट कर रहे हैं। ऐसे में चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अपने बच्चों को ये भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्वेल्थ के बोर्ड्स जो होते हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। आने वाला पूरा फ्यूचर जो एक स्टूडेंट का होता है वो ट्वेल्थ बोर्ड पर कहीं ना कहीं डिपेंड ज़रूर करता है। सर, अंदर एग्ज़ाम दे रही है बच्ची आपकी? जी। अंदर आपकी बच्ची एग्ज़ाम दे रही है? हाँ, दे रही है। तो उनकी तैयारी के दौरान आप लोगों की तैयारियाँ कैसी हो रही थी, बच्चे के साथ मेहनत करना और ये सारी चीज़ें? हाँ, तो उसके साथ हेल्प कर रहे थे, उसका सपोर्ट कर रहे थे कि जितना बढ़िया तैयारी कर सके जी। क्या चाहते हैं, क्या बने बेटी बड़ी होकर? बेटी इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो बेटी की खुद की इच्छा थी इंजीनियर बनने की, आप लोगों की इच्छा थी? हमारी इच्छा थी जी, तो आपकी इच्छा के अनुसार। हाँ, बेटी तैयारी कर रही है, उसका भी इच्छा था। उसका मैथ में बहुत बढ़िया कमांड है, बहुत बढ़िया ही करती है, तो उसका भी इच्छा था कि ना हम ये करें, जेई की तैयारी करें। जेई की तैयारी करवा रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो मेडिकल की तैयारी कर रही है जी। जी हाँ, वो बायोलॉजी लिए है खास कर इसलिए। हालांकि पॉलिटेक्निक भी वो निकाल चुकी थी, पॉलिटेक्निक भी वो पास कर चुकी थी। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि जो है ये पॉलिटेक्निक में जाए, लेकिन वो बोली नहीं पापा, मैं एक बार में पॉलिटेक्निक निकाल दिया ना, आपकी इच्छा के मुताबिक मैं मेडिकल करूँगी जो है जी। और वो मेडिकल की तैयारी कर रही है। इच्छा के आगे आप झुक गए? झुक गए जी, बेटी की इच्छा नहीं, वो जो चाहेगी वही करेंगे हम जी। वो यदि उसकी इच्छा है कि मैं मेडिकल में जाऊँ, तो मैं तैयार हूँ मेडिकल में भेजने के लिए जी। क्या चाहते हैं, क्या बने? इंजीनियर। इंजीनियर, तो बहन की इच्छा है या फिर आप लोग अपनी इच्छा से करवा रहे? बहन का इच्छा है। अच्छा, उसकी इच्छा है कि वो इंजीनियर बने, तो आप लोग अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उसका मर्जी, ऐसा तो वो आईपीएस बनना चाह रही थी जी, जी। और आपकी क्या मर्जी है कि वो क्या बने? बेटी की इच्छा आईपीएस और आपकी? मेरा इच्छा जो है, जो हम तो अपना जितना भी शक्ति उतना हम लगा ही रहे हैं, बाकी मर्जी उसी करना है, उसी को तैयारी करना है जी। तो और क्या। अंदर बेटी परीक्षा दे रही है, तो क्या चाहती हैं, क्या बने बड़ी होकर? बड़ी कुछ काम करे, रोशन करे माए के, कि हाँ बेटी काम कर ले है, रोशन हुआ है। तो कुछ सोचा है, डॉक्टर बने, इंजीनियर? हाँ, बने इंजीनियर बने, डॉक्टर ओका जौन इच्छा रहे जौन बन जाए। आपकी क्या इच्छा है? आपका मेरे बेटी खुशी ना है कि कुछ बन जाए। अच्छा, तो रोशन होत ना मेरे के? हाँ, खुश रहे, माँ भी खुश रहेंगे। देखिए, मेरी बेटी परीक्षा देने गई है, हम चाहते हैं कि वो सफल हो, और सभी बच्चे के लिए हम शुभकामना दे रहे हैं कि सभी सफल हो और आगे चलकर विभिन्न पदों पर जाए पढ़ लिख कर। देखिए, हम चाहते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, क्योंकि अभी 3 साल से पूरा देश दुनिया का हालत जितना ख़राब है कोरोना के वजह से, और उसका सब्जेक्ट भी बायोलॉजी है। हम चाहते हैं कि वह आगे चलकर डॉक्टर बने। डॉक्टर लोग धरती का भगवान माने जाते हैं। कोरोना काल में बहुतों लोग जो जान के प्यारे हो गए, मौत के घाट चले गए। हम चाहते हैं कि डॉक्टर बनेगी तो गांव, समाज, देश प्रदेश का कल्याण हो, अच्छे डॉक्टर बने। बनना तो चाहते हैं इंजीनियर बने जी। हाँ। और बेटी क्या चाहती है कि वो क्या बने? वो भी चाहती है इंजीनियर बने। हाँ, तो उसके लिए पूरा समर्थन करते हैं आप लोग, पूरी तैयारियां करवाते हैं? हाँ, करवा तो रहे हैं जी। तो परिवार में कोई इंजीनियर है जिसे देख कर ये सोचा था कि बेटी को इंजीनियर बनाएंगे? हाँ, इंजीनियरिंग पढ़ा था और अपने RBI में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जी। ना, अभी तो इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं जी। बड़ी बात, बेटी को इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं। इंजीनियरिंग ही क्यों कराना चाहते हैं? अब उसका इच्छा है, बच्ची का इंजीनियरिंग करे। अच्छा, बेटी की इच्छा है। हाँ। तो बेटी की इच्छा के आगे आपने अपनी कोई इच्छा नहीं? अपनी कोई इच्छा नहीं चलती है, कोई इच्छा आज के फैशन में अपनी कोई इच्छा नहीं चलती है। आज के दौर में अपनी इच्छा होती ही नहीं? नहीं, हमारे दौर में कोई अपनी इच्छा नहीं होती है। जो कहेगा बच्चा, उसको तैयारी करवाएंगे। तो अपनी तरफ से आप पूरा सपोर्ट करते हैं? हाँ, अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करते हैं कि बच्ची पढ़े, भविष्य रौनक से करे। बेटी अंदर एग्जाम दे रही है, 12वीं के बाद कॉलेजेस चुनने होते, क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाए, कैसा कॉलेज चुने?
सब बच्ची के तो अपना मर्जी से पढ़ेगी जी। अब जौन क्षेत्र तो होगी कुछ तो बनाना चाहते इच्छा तो है कि किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए। बेटी को सरकारी नौकरी करवाना चाहते हैं? हाँ। सरकारी नौकरी ही क्यों? सरकारी नौकरी का वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, सरकारी नौकरी की वैल्यू ज्यादा है। डॉक्टर इंजीनियर ऐसा कुछ नहीं? हाँ? डॉक्टर इंजीनियर ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, उसके इच्छा के ऊपर है जी। लेकिन आप चाहते हैं कि सरकार? हाँ, हम चाहते हैं कि किसी तरह मैंने नौकरी में हो जाए। अच्छे से अच्छा करे, अच्छा एजुकेशन पा रही है तो अच्छा से पढ़े और आगे अच्छा करे। करियर ऑप्शन अब हर गार्जियन तो चाहता है कि बेटी मेरी अच्छी करे, इंजीनियरिंग में जाए, कंपटीशन में आए। इंजीनियर बनाना चाहते हैं बेटी? चाहते तो हैं, अब मालिक क्या बनना चाहते। बेटी का ऑप्शन तो यही है कि इंजीनियरिंग में जाएँ, अब देखिए आगे क्या होता है जी। तो इंजीनियरिंग के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं आप लोग? हाँ, सपोर्ट तो करते हैं। इंजीनियर ही क्यों बनाना चाहते हैं? अब उसका चॉइस है, उसका मंशा है, उसकी मैंने ये है, वो चाहती है कि हम इस लाइन में आवें, मेडिकल में नहीं जाएं। तो हर आदमी का अपना अपना चॉइस होता है। अब उसके चॉइस पर मुनहसर करता है, हम फोर्स करके तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। जो लाइक करेगी वही छोड़ो, वही चीज़ है। और क्या चाहते हैं कि बेटी आगे जाके 12वीं के बाद क्या करे, क्या बने? क्या जी? बेटी अब 12वीं के एग्ज़ाम के बाद क्या बने? इसको डॉक्टर बनना नहीं थी। डॉक्टर बनना? तो उनकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, आप चाहते थे उन्हें डॉक्टर बनना? उसकी भी इच्छा है मेरी, मैं तो सिर्फ पैसा खर्चा करना, उसकी ही इच्छा है जी। आपने अपनी कोई इच्छा उनके ऊपर नहीं थोपी? नहीं, हम पढ़ाई के लिए खर्च करने के लिए जितना तक पढ़े, लेकिन पढ़ाई तो करना है उसको ना, हम खर्च करने के लिए तैयार है। शुरू से बायोलॉजी लेके चल रही है, तो इसीलिए हम कहा कि वो कहते हैं कि हम डॉक्टरी में जाएंगे। हम कहा ठीक है डॉक्टरी में, तुम बोलो। देखिए अब इच्छा के अनुसार है, क्या चाहती है ना, जो चाहेगी वही कर रहे हैं। मेरी इच्छा क्या है? उस हम सब कोई गार्जियन को तो सब कोई कोई इच्छा होता है कि मेरी बच्चा ज़्यादा ऊँचा हो, लेकिन इच्छा है अब उस लाइक जिस लाइक रहेगी वही करेगी, हम लोग से तरफ से सपोर्ट रहेगा। अच्छा, बेटी की इच्छा खुद है इंजीनियर बनने की, आप बनाना चाहते हैं? नहीं, बच्चे जी उन्हीं की इच्छा है जी। तो इंजीनियरिंग में क्यों, परिवार में कोई इंजीनियर है जिन्हें देखकर प्रभावित हुई वो? वो तो हाँ है, इंजीनियर है आपके परिवार में, तो बेटी को पूरा सपोर्ट करते हैं सपने के लिए? वो तो सपोर्ट जितना होगा उतना तो कर रहे हैं। उसका पढ़ने के ऊपर है, वो कैसा पढ़ रही है, हम लोग तो जो बनेगी हम बनने के लिए तैयार हैं कि जो अपना पढ़े वो जी। आपकी अपनी कोई इच्छा है? इच्छा है कहीं डॉक्टर बनने के लिए, हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर ही पढ़े वो। डॉक्टर? हाँ, मेडिकल लाइन में जाएगी तो अच्छा रहेगा। अरे हम लोग तो अपना पुलिस विभाग में है, तो पुलिस विभाग में उचित नहीं है, अब क्या बोलूँ। अच्छा। जी जी, क्यों पुलिस विभाग में क्या दिक्कत है, उचित क्यों नहीं है? अब सब कोई पुलिस विभाग में चल जाएगा, कुछ अलग हट का होना चाहिए ना। अच्छा, कुछ क्या परिवार की भी इच्छा यही है कि वो इंजीनियरिंग करे? नहीं, परिवार की इच्छा नहीं, उसकी खुद की इच्छा है जी। तो ऐसे कोई परिवार में इंजीनियर्स हैं जिन्हें देखकर वो इंस्पायर हुई हैं? हाँ, मैं खुद हूँ। अच्छा, आप खुद इंजीनियर हैं, तो आप ही अपनी भांजी की इंस्पिरेशन है? अभी इंस्पिरेशन तो नहीं है, लेकिन उसमें खुद ये जगह है कि वो अपना करना चाहती है। अब देखते हैं, बस एंट्रेंस देगी पहले, तो ये पहले पास कर ले, उसके बाद फिर एंट्रेंस देगी जी। तो तैयारियों में आपने भी पूरा सहयोग दिया होगा? बिल्कुल जी। तो कैसे गाइड किया कि आगे इंजीनियरिंग करने के लिए, बुक्स बताई, कोचिंग कराया? कोचिंग वोचिंग तो नहीं कर पाई, क्योंकि कोरोना के कारण तो सारा लॉकडाउन था पड़ा हुआ, तो मैं खुद ही करा, उसको पूरा कंप्लीट कराया हूँ सिलेबस। और हाँ, और अपने खुद भी कॉलेज में भी पढ़ी है, कॉलेज जितना दिन भी खुला रहा उसमें पढ़ी है, और सेल्फ स्टडी वो ज़्यादा की है, ये मैं सेल्फ स्टडी वो ज़्यादा की है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग अपनी बेटी को इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ये भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बेटी बस जो कुछ भी करे उसकी ज़िंदगी में खुशी रहे और कामयाबी हासिल करे। तो ये बहुत ही अच्छा ख्याल है कि अब पेरेंट्स अपनी इच्छाएँ जो हैं वो बच्चों को फोर्स नहीं कर रहे हैं, और बस उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो सपने हैं, उन्हें पूरा करने में अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे रहे हैं। अब बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।